हाय गाइस, वेलकम टू द ऑटोमोटिव कैफे। तो आज के इस वीडियो में हमने टाटा मोटर्स कंपनी की डिटेल हिस्ट्री आपके साथ शेयर की है, जहां पे हमने आपको ऐसा बताया है कि ये कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई, कब रतन टाटा जी इस कंपनी के चेयरमैन बने, एंड बीच में ऐसा तो क्या हुआ कि टाटा मोटर्स काफ़ी लॉस में चली गई, एंड उसके बाद इन्होंने ऐसा तो क्या किया कि फिलहाल 2021 में ये कंपनी इंडियन कार मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है। एंड यस गाइस, आई नो वीडियो काफ़ी ही लंबा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में टाटा की हर एक कार कौन सी टाइमलाइन पर लॉन्च हुई थी, उन सभी की डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। ओके गाइस, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स की कहानी की शुरुआत 1945 से होती है, जहाँ पे कंपनी का नाम टेल्को यानी कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी रखा जाता है। एंड द कंपनी वॉज फाउंडेड बाय जेआरडी टाटा। एंड गाइस, उस टाइम ये कंपनी सिर्फ लोकोमोटिव्स एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स ही मैन्युफैक्चर करती थी। फिर गाइस 1948 में, यानी कि उसके 3 साल बाद, कंपनी ने यूके बेस्ड मार्शल सन्स कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके उनका पहला स्टीम रोड रोलर लॉन्च किया। नाउ गाइस, 1954 ईयर टेल्को कंपनी के लिए उस टाइम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ईयर रहा, क्योंकि उन्होंने उस टाइम कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में उनके प्रोडक्ट्स लाना शुरू कर दिए। उन्होंने जर्मन बेस्ड कंपनी डेमलर बेंज यानी कि मर्सिडीज बेंज कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके पहले 6 महीने के अंदर उनका पहला कमर्शियल ट्रक लॉन्च किया। अब दोस्तों, 1955 से 1976 तक टेल्को कंपनी ने कुछ R&D सेंटर्स बिल्ड किए एंड उनके कई सारे प्रोडक्ट्स को बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किए, जिनकी डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। अब गाइस, 1977 में टेल्को कंपनी ने उनका सबसे पहला कॉमर्शियल व्हीकल इंडिया में लॉन्च किया। अब गाइस, यहाँ मैं सबसे पहला इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ट्रक उस टाइम पुणे यानी कि इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया था। फिर दोस्तों, 1983 में टेल्को कंपनी ने हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स को भी मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया था। फिर गए 1786 में इस कंपनी ने इंडिजीनियसली डिज़ाइन यानी कि इंडिया में डिज़ाइन किया हुआ उनका टाटा 407, जो एक लाइट कॉमर्शियल व्हीकल था, उसको लॉन्च किया। नाउ गाइज, इन जुलाई 1988 कंपनी ने उनका तीसरा लाइट कॉमर्शियल व्हीकल टाटा टेल्को लैंड को लॉन्च किया, जिसका ओरिजिनल नेम टाटा मोबाइल 206 था। दोस्तों, ये एक पिकअप ट्रक था जो उनके X2 प्लेटफॉर्म पे बेस था। अब गाइस, साल आया 1991, जहां से ही टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स की ओरिजिनल शुरुआत होती है। बट गाइस, बिफोर वी स्टार्ट, हम आपको बता देते हैं कि 1945 से 1990 तक, इन 45 इयर्स में टाटा मोटर्स ने यानी कि टेल्को कंपनी ने 1,000,000 व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करके रोल्ड आउट कर दिए थे। एंड गाइस, उसमें एक भी पैसेंजर व्हीकल इंक्लूडेड नहीं था, सभी के सभी कमर्शियल व्हीकल्स ही थे, लाइक बसेस, ट्रक्स, पिकअप ट्रक्स एंड ऑल्सो मिलिट्री व्हीकल्स। सो आफ्टर डोमिनेटिंग नियरली 45 ईयर्स इन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट फ्रॉम 1991, टाटा मोटर्स ऑल्सो एंटर्ड इनटू पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। एंड गाइस, इसी साल 1991 में ही मिस्टर रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप यानी कि टाटा मोटर्स के चेयरमैन भी बनाए गए। एंड रतन टाटा के द्वारा ही उन्होंने उनका फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन पैसेंजर कार टाटा सियारा को भी लॉन्च किया। एंड गाइस, टाटा सियारा 3-डोर SUV कार थी। फिर गाइस, उसके अगले साल 1992 में टाटा एस्टेट को लॉन्च किया, जो उनकी पहली स्टेशन वैगन कार थी। एंड उसके नेक्स्ट ईयर 1993 ने टेल्को कंपनी ने कमिंस इंजन कॉरपोरेशन, जो एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर साइन किया टू मैन्युफैक्चर हाई हॉर्स पावर एंड एमिशन फ्रेंडली डीजल इंजन। फिर गाइस, उसके अगले साल 1994 में टाटा ने टाटा सुमो को लॉन्च किया, जो एक 5-डोर SUV कार थी। एंड उसके साथ ही साथ LPT 709 को भी लॉन्च किया, जो एक लाइट कमर्शियल व्हीकल था। फिर गाइस, इसी साल टाटा कंपनी ने 2 जॉइंट वेंचर्स भी साइन किए, जिनकी डिटेल्स आप अभी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। फिर गाइस, उसके 2 साल बाद 1996 में टाटा सुमो डिलक्स को लॉन्च किया। एंड उसके अगले साल 1997 में टाटा सियारा का एक टर्बो वर्जन यानी कि टाटा सियारा टर्बो को लॉन्च किया। नाउ गाइस, इन ईयर 1998 उन्होंने उनकी अब तक की सबसे आइकॉनिक कार टाटा सफारी को लॉन्च किया। एंड उसी साल उन्होंने टाटा इंडिका को भी लॉन्च किया था, जो इंडिया की सबसे पहली फुल्ली इंडिजीनियसली डिजाइन पैसेंजर हैचबैक कार थी। अब दोस्तों, टाटा इंडिका की इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइन
आइडिया कंपनी की हेल्प से की गई थी, जो एक इटली बेस्ड कंपनी थी। अब गाइस टाटा इंडिका में उस टाइम एक काफ़ी पावरफुल इंजन अवेलेबल था एंड इस इंजन की माइलेज भी काफ़ी एक्सीलेंट क्लेम हुई थी एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट इस कार की प्राइसेस भी काफ़ी लो रखी गई थी, जिसके साथ ही साथ आपको सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडोज एंड पावर स्टीयरिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स देखने को मिले थे, जो उस टाइम सिर्फ हाई एंड लग्जूरियस कार्स में ही देखने को मिलते थे। सो इन्हीं सब अच्छी चीज़ों की वजह से टाटा इंडिका को विद इन अ वन वीक यानी कि एक वीक के अंदर ही 1 लाख से भी ज़्यादा बुकिंग्स देखने को मिले थे। बट गाइस जैसे जैसे कस्टमर्स को इंडिया के डिलीवरीज मिलना स्टार्ट हुई तब धीरे धीरे इंडिया के रिलेटेड काफ़ी सारे कंप्लेंट्स भी आना स्टार्ट हो गई, जैसे कि जितना अच्छा पावर एंड माइलेज इस कार का क्लेम हुआ था उतनी अच्छी माइलेज एंड पावर कस्टमर्स को इंडिका में देखने को नहीं मिलती थी। सो इसकी वजह से इंडिका के जितने अच्छे बुकिंग्स हुए थे उतने अच्छे सेल्स नहीं हो पाए एंड टाटा कंपनी ऑलमोस्ट काफ़ी लॉस में चली गई। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स मिस्टर रतन टाटा जी ने ऐसा डिसाइड किया कि वो उनके कार बिजनेस यानी कि टाटा मोटर्स को सेल कर दे यानी कि किसी और कंपनी को बेच दे। सो गाइज इन द ईयर ऑफ 1999 फोर्ड कंपनी वॉज इंटरेस्टेड टू बाय टाटा मोटर्स। सो इसी की वजह से फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड एंड रतन टाटा जी एंड उनके कुछ मेंबर्स के बीच डेट्रॉइट यूएसए में एक मीटिंग हुई एंड ये मीटिंग ऑलमोस्ट 3 घंटे तक चली थी। एंड गाइस इस मीटिंग के दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी को कई बार इंसल्ट किया। उन्होंने रतन टाटा जी को ये बोला कि अगर आपको पैसेंजर कार्स का कोई नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप ये व्हीकल्स मैन्युफैक्चर ही क्यों किए। एंड साथ ही साथ ये भी बोला कि हम आपकी कंपनी खरीद कर आप पे एक बड़ा फेवर कर रहे हैं। सो इसी इंसल्ट की वजह से रतन टाटा जी ने उसी वक्त इस डील को कैंसिल कर दिया एंड उसी दिन फ्लाइट लेके इंडिया वापस आ गए एंड उन्होंने ये सोचा कि अब वो टाटा मोटर्स के कार बिजनेस को नहीं बेचेंगे बल्कि उनका पूरा फोकस टाटा मोटर्स पे लगा देंगे। अब गाइस उसके 1 साल बाद इन द ईयर ऑफ 2000 टाटा सुमो स्पेशियो को लॉन्च किया एंड उसके 1 साल बाद यानी कि 2001 में टाटा इंडिका V2 यानी कि इंडिका का वर्जन 2 लॉन्च किया विच वॉज द सेकेंड जनरेशन ऑफ टाटा इंडिका। एंड गाइस जो भी कुछ प्रॉब्लम्स इंडिका के फर्स्ट जनरेशन में देखने को मिले थे उस सभी को ध्यान रख के रतन टाटा जी ने इंडिका का वर्जन 2 लॉन्च किया था एंड साथ ही साथ इंडिका के CNG वेरिएंट्स को भी इंट्रोड्यूस किए एंड एट दैट टाइम इंडिका बिकम्स द बेस्ट सेलिंग कार इन इट्स सेगमेंट। सो गाइस धीरे धीरे टाटा मोटर्स कंपनी को ग्रोथ मिलना शुरू हुआ एंड टाटा कंपनी फिर से खड़ी हुई। अब गाइस साल आया 2002 तो इस साल टाटा ने उनकी टाटा सुमो प्लस सीरीज को लॉन्च किया एंड साथ ही साथ उन्होंने टाटा इंडिगो को भी लॉन्च किया विच वॉज द इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनसली डिजाइन सेडान कार। अब दोस्तों इसी साल यानी कि 2002 में ही उन्होंने टाटा टेल्को लाइन जो पहले 1988 में लॉन्च हुआ था उसका एक फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च किया विद द नेम ऑफ टाटा 207 DI एंड हियर DI स्टैंड्स फॉर डीजल। एंड दोस्तों इसी साल उन्होंने टाटा इंडिका के टोटल 2 लाख यूनिट्स भी रोल्ड आउट किए जिसकी वजह से टाटा कंपनी में और भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला एंड धीरे धीरे टाटा कंपनी के सेल्स रिपोर्ट में और भी अच्छे इंप्रूवमेंट्स भी देखने को मिले। नाउ गाइस ऑन 29th July 2003 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ GRD टाटा जो इस कंपनी के फाउंडर थे इसी दिन जो कंपनी का पहले नाम टेल्को था उसको फाइनली चेंज करके टाटा मोटर्स लिमिटेड रखा गया। एंड दोस्तों 2003 में ही टाटा मोटर्स ने उनके और दो प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए। द फर्स्ट इज टाटा सफारी लिमिटेड एडिशन एंड द सेकंड वन इज फेसलिफ्टेड वर्जन ऑफ टाटा इंडिका V2। एंड दोस्तों 2003 तक टाटा मोटर्स इंडिया में टोटल 3 मिलियन यानी कि 30 लाख व्हीकल्स मैन्युफैक्चर कर चुके थे इंक्लूडिंग पैसेंजर्स एज वेल एज कॉमर्शियल व्हीकल्स। नाउ गाइस इन द ईयर ऑफ 2004 टाटा कंपनी ने एक साउथ कोरियन ट्रक बेस्ड कंपनी डेवू को खरीदा एंड फिर इस कंपनी का नाम TDCV यानी कि टाटा डेवू कमर्शियल व्हीकल कंपनी रखा गया। फिर गाइस इसी साल टाटा सुमो स्पेशियो का एक फेसलिफ्ट वर्जन टाटा सुमो विक्टा को भी लॉन्च किया गया एंड दोस्तों इसी साल उन्होंने टाटा इंडिगो मरीना को भी लॉन्च किया जो आफ्टर टाटा एस्टेट उनकी दूसरी स्टेशन वैगन कार थी। एंड गाइस ऑन 27 सितंबर 2004 टाटा मोटर्स लिस्टेड ऑन NYSE यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अब गाइस 2005 में टाटा कंपनी ने हिस्पानो कारोसेरा जो एक स्पेनिश बस एंड कोच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके 21% शेयर अक्वायर किए टू बिल्ड प्रीमियम बसेस एंड कोचेस इन इंडिया। एंड गाइस 2005 में टाटा ने उनके 2 प्रीमियम बसेस लॉन्च किए टाटा स्टार बस एंड टाटा ग्लो बस। एंड गाइस 2005 में टाटा एस को लॉन्च किया था
यस गाइस, ये वही ट्रक है जिनको कई सारे लोग छोटा हाथी भी कहते हैं। एंड गाइस, इन द ईयर ऑफ 2005 टाटा ने और चार प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, टाटा सफारी डिकोर, टाटा इंडिका V2 टर्बो डीजल, टाटा इंडिगो SX सीरीज जो टाटा इंडिगो के लग्जूरियस वेरियंट्स थे, एंड टाटा TL 4x4 जो टाटा टेल्को लाइन का 4x4 वर्जन था। एंड गाइस, 2005 में टाटा ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया, उन्होंने 1 मिलियन यानी कि 10 लाख पैसेंजर कार्स रोल्ड आउट की, एंड उसी साल उन्होंने एक नई फैक्ट्री जमशेदपुर में ओपन भी की। अब दोस्तों 2006 की बात करें तो इस साल टाटा मोटर्स ने और एक जॉइंट वेंचर मार्को पोलो कंपनी के साथ साइन किया। दोस्तों ये एक ब्राज़ील बेस्ड कंपनी है एंड ये कंपनी भी बसेस एंड कोचेस को मैन्युफैक्चर करती है। 2006 में दोस्तों टाटा ने उनका और एक प्रोडक्ट टाटा इंडिका V2 सेटा को भी लॉन्च किया था। अब गाइस, 2007 में टाटा मोटर्स एंड फियाट इन दोनों कंपनीज का एक जॉइंट प्लांट रंजनगांव महाराष्ट्र में ओपन किया गया, एंड 2007 में टाटा मोटर्स ने इंडिया में उनके टोटल 6 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। टाटा इंडिगो XL जो स्टैंडर्ड इंडिगो का एक लॉन्ग व्हील बेस प्रीमियम वर्जन था, टाटा मैजिक एंड टाटा विंगर ये दोनों एक लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स थे, टाटा जेनॉन जो टेल्को लाइन का एक सेकेंड जनरेशन वर्जन था, फिर दोस्तों टाटा सफारी डिकोर का फेसलिफ्ट, एंड लास्टली 2007 में उन्होंने टाटा सुमो स्पेशियो गोल्ड प्लस को लॉन्च किया। अब दोस्तों बात करें 2008 की तो 2008 में टाटा मोटर्स ने FIAPL यानी कि फियाट इंडिया ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के साथ और एक जॉइंट वेंचर साइन किया टू मेक पैसेंजर कार्स एंजिन्स एंड ट्रांसमिशन एट रंजनगांव प्लांट इन इंडिया। अब गाइस, शायद से आपको पता ही होगा कि जैगुआर एंड लैंड रोवर ये जो दोनों प्रीमियम ब्रांड्स है वो फिलहाल टाटा ओन करता है, क्योंकि जब 2008 में फोर्ड कंपनी लॉस में थी तब ऑन 2 जून 2008 को मिस्टर रतन टाटा जी ने जैगुआर एंड लैंड रोवर ये दोनों ही कंपनीज फोर्ड कंपनी से एक्वायर की यानी कि खरीद लिया बाय पेइंग $2.3 बिलियन। सो गाइस, आप ऐसा बोल सकते हो कि जो इंसल्ट बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी की थी उसका रिवेंज रतन टाटा जी ने बिना कुछ बोले ही यानी कि साइलेंटली इन दोनों कंपनीज खरीद के लिया। एंड गाइस, 2008 में टाटा ने और 3 कार्स लॉन्च की, टाटा सुमो ग्रैंड, टाटा इंडिका विस्टा जिसको कई सारे लोग इंडिका V3 भी बोलते हैं जो स्टैंडर्ड इंडिका का सेकेंड जनरेशन वर्जन था, एंड टाटा इंडिगो CS, एंड हियर CS स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट सेडान। एंड गाइस, ये इंडिगो CS इंडिया की पहली सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान कार थी। अब गाइस, 2009 की बात करें तो मार्च 2009 में टाटा मोटर्स ने दुनिया की सबसे चीपेस्ट कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। दोस्तों इस कार को लॉन्च करने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था कि इंडिया का हर एक आदमी इस कार को अफोर्ड कर सके, एंड इसी की वजह से टाटा मोटर्स ने इस कार की स्टार्टिंग प्राइसेस भी सिर्फ 1 लाख रुपीज़ ही रखी थी। बट गाइज, बिकॉज ऑफ सम पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड सेफ्टी इश्यूज इस कार को मार्केट में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, एंड इसी की वजह से टाटा मोटर्स ने थोड़े टाइम बाद खुद टाटा नैनो प्रोजेक्ट को एक फेल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया, एंड मई 2018 में इस कार को डिसकंटिन्यू भी कर दिया। फिर दोस्तों इसी साल यानी कि 2009 में ही टाटा मोटर्स ने हिस्पानो कंपनी में जो उनके 21% शेयर थे उनको बढ़ा करके 100% कर दिए, एंड द फाइनली कंपनी नेम्ड एज टाटा हिस्पानो मोटर्स। फिर दोस्तों 14th ऑफ अक्टूबर 2009 में उन्होंने उनकी कॉम्पैक्ट सेडान कार इंडिगो मांजा को भी लॉन्च किया। फिर गाइस, 2010 में ऑन 5th ऑफ जनवरी 2010 टाटा मोटर्स ने उनकी पहली प्रीमियम क्रॉसओवर टाटा आरिया को लॉन्च किया। ये गाइस इंडिया की पहली ऐसी प्रीमियम क्रॉसओवर थी जिसमें आपको 4x4 का ऑप्शन देखने को मिला था। फिर गाइस, ऑन 2 जून 2010 में ही टाटा ने उनका नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सानंद गुजरात में ओपन किया, जहां पे टोटल एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 2.5 लाख यूनिट्स की थी पर ईयर। फिर गाइस, 2010 में ही टाटा मोटर्स ने उनका और एक नया प्रोडक्ट टाटा सुमो ग्रैंड MK2 को लॉन्च किया। फिर दोस्तों उसके एक साल बाद 2011 में टाटा ने उनके कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जिनकी सारी डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। अब गाइस हम बात करते हैं 2012 की। सो ऑन 3rd ऑफ सितंबर 2012 टाटा ने उनका और एक नया पिकअप ट्रक टाटा जेनॉन को लॉन्च किया फॉर बोथ सिंगल एंड ड्यूअल कैब्स। फिर गाइस अक्टूबर महीने में उन्होंने 2 कार लॉन्च की। ऑन 16th ऑफ अक्टूबर उन्होंने उनकी पहली क्लब क्लास सेडान टाटा मांजा को लॉन्च किया, एंड फिर उसके एक दिन बाद ऑन 17th ऑफ अक्टूबर उन्होंने टाटा सफारी स्टॉर्म को लॉन्च किया।
एंड गाइस दिसंबर के महीने में ऑन 28th ऑफ दिसंबर साइरस मिस्त्री को नए टाटा मोटर्स के चेयरमैन बनाए गए। यानी कि जो रतन टाटा जी पहले चेयरमैन थे उनको चेंज करके अब साइरस मिस्त्री नए टाटा मोटर्स के चेयरमैन बनाए गए। अब गाइस साइरस मिस्त्री के चेयरमैन बनने के बाद ऑन 28th ऑफ जनवरी 2013 टाटा ने उनकी पहली प्रीमियम हैचबैक टाटा विस्टा D90 को लॉन्च किया। एंड गाइस ऑन 22nd ऑफ नवंबर टाटा ने CNG इंजन के साथ दो कार्स लॉन्च की, टाटा इंडिगो ईमैक्स एंड टाटा इंडिका ईमैक्स। सो गाइस अब तक 2013 तक टाटा मोटर्स ने उनके जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे उन सभी कार्स में उन्होंने हमेशा उनके डीजल इंजन पर ज़्यादा फोकस किया था। बट फाइनली इन 2014 टाटा अनाउंसेस द रिवोट्रॉन सीरीज। रिवोट्रॉन सीरीज में दोस्तों टाटा मोटर्स उनके नेक्स्ट जनरेशन पेट्रोल इंजन उनकी अपकमिंग कार्स में इंप्लीमेंट करेंगे, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया। एंड इसी के साथ उन्होंने 21 जनवरी को उनकी टाटा विस्टा VX टैग को लॉन्च किया जो उनकी एक प्रीमियम हैचबैक कार थी। बाद में दोस्तों 2014 में ही टाटा मोटर्स ने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ उनकी पार्टनरशिप अनाउंस की टू ऑफर इन कार कनेक्टिविटी फीचर्स इन देयर पैसेंजर कार्स। बाद में दोस्तों ऑन द 6th ऑफ मई टाटा ने उनकी और एक नई SUV टाटा मोवर्स को लॉन्च किया जिसमें 7, 8 एंड 9 ये तीनों सीटिंग ऑप्शंस अवेलेबल थे। एंड लास्टली अगस्त के महीने में टाटा ने उनकी और एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान टाटा जेस्ट को लॉन्च किया विथ 1.2 लीटर रिवोट्रॉन टर्बो पेट्रोल एंड पॉपुलर 1.3 लीटर क्वाड्रा जेट डीजल इंजन। अब दोस्तों 2015 में टाटा मोटर्स ने उनके टोटल 4 पैसेंजर व्हीकल्स को इंडिया में लॉन्च किया था। जनवरी महीने में टाटा बोल्ट रिवोट्रॉन को लॉन्च किया था विद द सेम इंजन ऑप्शंस ऑफ टाटा जेस्ट। बाद में अप्रैल के महीने में उन्होंने ऑल न्यू सफारी स्ट्रोम को लॉन्च किया एंड उसी के बाद मई में उन्होंने ऑल न्यू जनरेशन X टाटा नैनो को लॉन्च किया था जो एक कॉम्पैक्ट फीचर रिच हैचबैक कार थी। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर टाटा जेस्ट का एक स्पेशल एडिशन वर्जन भी लॉन्च किया था। अब दोस्तों 2015 में इन्हीं 4 पैसेंजर व्हीकल्स के अलावा टाटा मोटर्स ने और 2 पिकअप ट्रक्स को भी लॉन्च किया था, टाटा एस मेगा एंड टाटा सुपर एस मिंट। अब गई साल आया 2016 जहां पे ऑन 6th ऑफ अप्रैल टाटा मोटर्स ने टाटा टियागो को लॉन्च किया जो उसके सेगमेंट की सबसे सेफेस्ट कॉम्पैक्ट हैचबैक कार थी। जिस कार का नाम पहले टाटा जीका एंड टाटा काइट भी रखा गया था बट गाइस फाइनली ये कार टाटा टियागो के नाम से लॉन्च की गई। अब गाइस 2016 तक टाटा मोटर्स के उतने अच्छे सेल्स रिपोर्ट नहीं थे एंड कई सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि अब टाटा कंपनी उतने अच्छे से चल नहीं पाएगी। सो गाइस इसी की वजह से अक्टूबर के महीने में 2016 में मिस्टर रतन टाटा जी को टाटा मोटर्स के फिर से चेयरमैन बनाए गए एंड फिर टाटा मोटर्स ने बाउंस बैक किया क्योंकि फिर 2016 के बाद टाटा मोटर्स ने कई सारे अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जिसकी बातें अब हम आगे करने ही वाले हैं। फिर गाइस 2017 के जनवरी महीने में टाटा मोटर्स ने उनके नए पिकअप ट्रक्स टाटा ज़ेनॉन योद्धा को अनाउंस किया एंड जनवरी के महीने में उन्होंने उनकी और एक नई SUV टाटा हेक्सा को लॉन्च किया। फिर गाइस फरवरी के महीने में मिस्टर नटराजन जी को टाटा मोटर्स के नए चेयरमैन बनाए गए एंड उनके अंडर टाटा मोटर्स ने कई सारी अच्छी कार्स लॉन्च की जैसे कि मार्च महीने में उन्होंने टाटा टिगोर को लॉन्च किया जो उनकी और एक नई सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान कार थी एंड ये कार उसके सेगमेंट की सबसे सेफेस्ट कार थी। उसके बाद गाइस ऑन 31st ऑफ मार्च 2017 टाटा मोटर्स ने JM ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी के साथ एक 50-50 जॉइंट वेंचर साइन किया टू बिल्ड हाई परफॉर्मेंस JT स्पेशल व्हीकल्स। एंड गाइस इन JTP वेरिएंट्स के अंडर यानी कि JM टाटा परफॉर्मेंस वेरिएंट्स के अंडर टाटा मोटर्स ने कई सारी कार्स लॉन्च की एंड गाइस ये कार्स इंडिया में काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी बट गाइस फिर 2020 में टाटा मोटर्स ने JTP वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया। अब दोस्तों इसी साल यानी कि 2017 में ही टाटा कंपनी ने टाटा टियागो का एक लिमिटेड एडिशन भी लॉन्च किया एंड सितंबर महीने में टाटा ने एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV टाटा नेक्सॉन को लॉन्च किया एंड ये कार भी टियागो एंड टिगोर की तरह उसके सेगमेंट की सबसे सेफेस्ट कार निकली। सो गाइस विद द हेल्प ऑफ नेक्सॉन टियागो एंड टिगोर टाटा के सेल्स रिपोर्ट और भी इम्प्रूव हुए एंड टाटा की कार्स फिर से अच्छे से बिकना इंडिया में शुरू भी हो गई। अब दोस्तों 2018 में टाटा ने उनकी टाटा जेस्ट प्रीमियो जो एक कॉम्पैक्ट सेडान थी उसको लॉन्च किया
एंड इसी साल उन्होंने उनका एक कॉन्सेप्ट टाटा ई विजन जो एक सेडान थी उसको रिवील किया था, जो कॉन्सेप्ट उस टाइम काफ़ी पॉपुलर हुआ था। फिर दोस्तों 2018 के बाद 2019 में टाटा मोटर्स ने उनकी सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेडान टाटा टिगोर को लॉन्च किया था एंड इसी साल उन्होंने उनकी सबसे पॉपुलर एंड प्रीमियम एसयूवी टाटा हेरर को भी लॉन्च किया था। बट जब दोस्तों इस कार को इंडियन कार मार्केट में लॉन्च किया था तब इस कार में कुछ फीचर्स मिस आउट हो रहे थे एंड साथ ही साथ दोस्तों इस कार में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं था। सो इसी की वजह से 2020 में टाटा हेरर का एक फेसलिफ्ट वर्जन इन्होंने लॉन्च किया जिसमें उन्होंने पैनोरामिक सनरूफ एंड ऑटोमेटिक का ऑप्शन अवेलेबल कर दिया, जिसकी वजह से टाटा हेरियर इंडियन कार मार्केट में और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। फिर दोस्तों 2020 में टाटा हेरियर के साथ ही साथ उन्होंने टाटा अल्ट्रोस को भी लॉन्च किया था, जो एक प्रीमियम 5 सीटर हैचबैक कार है एंड फिलहाल ये हैचबैक कार उसके सेगमेंट की सबसे सेफेस्ट कार भी है। एंड दोस्तों 2020 में उन्होंने और दो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, टाटा नेक्सॉन ईवी एंड लास्टली टाटा हेरियर कामो एडिशन। एंड यस गाइस 2020 में ह्युंडई एंड टाटा मोटर्स के बीच में एक जॉइंट वेंचर भी साइन हुआ था जहां पे ह्युंडई कंपनी टाटा मोटर्स को उनके ट्रांसमिशन प्रोवाइड करेगी एंड इसी की वजह से टाटा हैरियर में फिलहाल जो ट्रांसमिशन यूज होता है वो ह्युंडई कंपनी प्रोवाइड करती है। सो गाइस 2020 तक टाटा मोटर्स सेफेस्ट कार बनाने में काफी पॉपुलर हो गई क्योंकि टाटा टियागो एंड टिगोर ने 5 में से 4 स्टार एंड टाटा नेक्सॉन एंड टाटा अल्ट्रोस ने 5 में से 5 स्टार अचीव किए हुए हैं। अब गाइस मैं बात करूं 2021 की तो आपको पता ही होगा कि 2021 में टाटा मोटर्स ने टोटल 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं, टाटा अल्ट्रोस आई टर्बो, टाटा टियागो का एक लिमिटेड एडिशन वेरिएंट एंड अभी फिलहाल थोड़े दिनों पहले ही टाटा ने उनकी आइकॉनिक कार टाटा सफारी को भी लॉन्च किया। एंड गाइस टाटा सफारी की प्राइसिंग भी काफ़ी अग्रेसिव रखी गई है एंड आई थिंक टाटा सफारी से टाटा के सेल्स रिपोर्ट और भी इम्प्रूव होगी। सो गाइस जब हम फाइनली बात करें टाटा मोटर्स के अचीवमेंट्स की तो आज तक टाटा मोटर्स ने कई सारे अवार्ड्स जीते हुए हैं एंड दोस्तों फिलहाल इंडिया में टाटा मोटर्स के टोटल 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अवेलेबल है एंड करंटली टाटा मोटर्स इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड एंड आज मारुति सुजुकी एंड ह्युंडई के बाद टाटा कंपनी ऐसी तीसरी कंपनी है जिसका इंडिया में मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। सो बस दोस्तों यही था आज का डिटेल्ड वीडियो ऑन टाटा हिस्ट्री फ्रॉम 1945 टू फेब्रुआरी 2021। आई नो गाइस वीडियो काफ़ी लंबा है बट स्टिल गाइस अभी भी आप वीडियो देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड साथ ही साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो क्योंकि लोगों को पता चले कि टाटा मोटर्स की हिस्ट्री क्या है एंड टाटा मोटर्स आज इंडिया में इतनी पॉपुलर क्यों है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो गाइस, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।